सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कन्फ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? कन्फ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दुख। फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या बांटेगा? है ना, तो जितने लोग चुगली चुगली खेलते हैं वो क्या बांट रहे? काफी पॉपुलर गेम है ये, आओ चुगली चुगली खेलेंगे। अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? अहंकार बांटेगा। खुश आदमी क्या बांटेगा? खुशी बांटेगा। सुखी आदमी सुख बांटेगा। जिसके पास समाधान है वो समाधान बांटेगा। तो जब मैं ये चर्चा कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग एजुकेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में हमने काफ़ी लंबा समय काम किया है, तो कॉलेज के लड़के बोलते थे, सर ये पैसे वाले तो पैसा नहीं बांटते हैं। मैं देखो, बांटने का अधिकार चौकीदार को होता है कि मालिक को होता है? बांटने का अधिकार तो मालिक को होता है। अधिकांश लोग अपने धन के चौकीदार हैं, इसलिए उसका सदुपयोग करने का अधिकार उनके पास नहीं है। जो मालिक होते हैं उनको अपने तन मन धन के सदुपयोग करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली आवश्यकता है मेरा खुश हो जाना। आयुर्वेद में एक अच्छा प्रिंसिपल है, पौधा यदि अपने आप में ताकतवर है, स्वस्थ है, तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उस पर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पौधे को इतना ताकतवर बनाने की जरूरत है कि किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उसको हिट नहीं करेगा। आप पाते हैं कि जब इस तरह के फंगल और वायरस, वायरल बीमारियां आती हैं, वो सभी को तो नहीं लगती हैं। जो कमजोर होते हैं उनको वो बीमारियां पकड़ती हैं, जो लोग स्वस्थ होते हैं उनको वो बीमारियां नहीं पकड़ती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधे को इतना मजबूत बनाया जाए कि उसको किसी तरह की चीजें प्रभावित ना करें। दोस्तों, यहां भी यही है, अपने आसपास में बहुत सारा वायरल फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ रहता है मानसिक रूप से। सबसे पहला काम यह है कि एक डॉक्टर की पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो मरीज को देख के परेशान ना हो। एक आदमी सर फटा हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा, उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया। अब इलाज किसका होगा? पहले तो डॉक्टर का होगा, तब तक मरीज मर जाएगा। दोस्तों, इसलिए कहा कि जब अपने में विश्वास की कमी होती है तो हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले अपना इलाज करना होगा। क्या अपना इलाज करना है? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना स्वयं की योग्यता है। ये बात पहुंची? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना स्वयं की योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना स्वयं की अयोग्यता है। अयोग्य होंगे तो क्या बांटेंगे? अयोग्य होंगे तो योग्यता को बांटेंगे कि अयोग्यता को बांटेंगे? अयोग्यता को बांटेंगे। दोस्तों, पहला ऐसी टेस्ट अपना है कि मेरी योग्यता का क्या हाल है। तो मेरी योग्यता इंटैक्ट हो जाए तो सही अर्थों में अपने बच्चों को मैं एक जिंदगी दे पाने में सफल हो जाऊं। मेरे बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, यदि मुझ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, है ना, तो मेरे बच्चों को मैं वो चीज दे पाऊंगा, तो सही अर्थों में उनकी पीठ पे हाथ रख पाऊंगा। तो पीठ में हाथ रखने की योग्यता है। किसी के भी पीठ पे हाथ रखने से ऐसा नहीं होता है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग महिला थे, जब भी उसके पैर छुओ ना, वो 10 मिनट तक आशीर्वाद देते थे, तुम्हारे अच्छी सी बहू मिल जाए, अच्छा सा ऐसा हो जाए और यूं हो जाए। हम उसके पैर जरूर छूते थे, इतना सारा आशीर्वाद देती है ना। लेकिन उनके आशीर्वाद देने से अच्छा लगता है। यदि उनके आशीर्वाद देने से सब कुछ फल जाता तो सारा गांव उन्हीं के पांव छू लेता और सबके घर में सुकून हो जाता। ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। यदि मेरे पास खुशी नहीं है
तो मैं फिजिक्स को खुश होकर पढ़ाऊंगा या आधे मन से पढ़ाऊंगा? मेरे पास खुशी होगी तो फिजिक्स को ऐसा पढ़ा दूंगा कि मेरे स्टूडेंट को सपने में भी फिजिक्स दिखाई देगा। और एक सफल शिक्षक की पहचान है कि अपने सब्जेक्ट को अपने छात्र के मन मस्तिष्क में ऐसा जिंदा कर दे कि उसको उसी में अपनी जिंदगी दिखने लगे, उसके बाद स्पून फीडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो हमने कमाल दिखाया है, हमने बहुत अच्छे इंजीनियर्स पैदा किए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स पैदा किए हैं, लेकिन ये सुनने में भी कहने में भी दुखद लगता है कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर उतना ही कमजोर इंसान हो सकता है। वर्ल्ड क्लास डॉक्टर किडनी बेचने का काम कर सकता है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बड़ी गलती कर सकता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी गलती कर सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक बड़ी गलती कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ बहुत अच्छा राजनेता बड़ी गलती कर सकता है, इसका अर्थ ये हुआ कि स्किल वाला पार्ट एक पार्ट है और ये समझ वाला पार्ट एक दूसरा पार्ट है, आचरण वाला पार्ट एक दूसरा पार्ट है। एक भाग में हमने सफलता पाई है, सुविधा के धरातल पर हमने सफलता पाई है, संबंध के धरातल पर हम उन ऊंचाइयों को पा सकें जिन ऊंचाइयों की बात हमने की है। किन ऊंचाइयों की बात की है? जिससे ऊंचा सोचा नहीं जा सकता वो हमारी परंपरा ने हमको दिया है। क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम। इससे ज्यादा तो हम सोच नहीं सकते। ये पूरी वसुधा एक परिवार हो जाए, पूरी वसुधा एक परिवार हो जाए, हर एक दूसरे व्यक्ति के लिए सपोर्टिंग हो जाए, हर देश दूसरे देश के लिए सपोर्टिंग हो जाए, हर राज्य दूसरे राज्य के लिए सपोर्टिंग हो जाए, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए सपोर्टिंग हो जाए, हर परिवार दूसरे परिवार के लिए सपोर्टिंग हो जाए, हर मानव दूसरे मानव के लिए सपोर्टिंग हो जाए, इससे अधिक हम सोच नहीं सकते। इस मानसिकता को एजुकेशन से डिलीवर किया जा सकता है। जिस तरह से ऑब्जेक्टिवली हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई, उतना ही ऑब्जेक्टिवली मानव को पढ़ाया जा सकता है, मानव को एजुकेशन में लाया जा सकता है। इस खूबसूरती को हम अगले 3 दिन में देखने की कोशिश करेंगे।